ऑलराइट मिर्जापुर का रिव्यू। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट है, बट क्या करें यार, इन्होंने एक ही साथ 10 एपिसोड निकाल दिए, वो भी ऑलमोस्ट 50 मिनट के, 1 घंटा आप पकड़ के चलो। तो ऐसी सीरीज को देखने में टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा, और अब जब मैंने फाइनली देख लिया, इसलिए मैं रिव्यू आपके सामने लेकर आ गया हूँ, ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपको मिर्जापुर देखना है सीजन 3 या नहीं देखना है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मिर्जापुर का जब सीजन 1 आया था, तो बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसे स्टार्टिंग में ही देख लिया था। मैं उनमें से एक था, और मैं उससे ज्यादा काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था। इस तरीके से नहीं कि जैसा उस सीरीज में दिखाया गया था मैं वैसी चीजें करने लग गया, हाँ, बट ये है कि मेरे को काफी अच्छी लगी थी और ऐसा कुछ देखा भी नहीं था। फिर उसके बाद 2018 में सीजन 1 आया था, 2020 में सीजन 2 आया था, जिसके लिए काफी लोग एक्साइटेड थे, मैं भी था। हाँ, सीजन 1 जितना बढ़िया नहीं था, सीजन 3 2024 में आ रहा है भाई, क्यों इतना टाइम लिया जाता है मेरे को नहीं पता। आई थिंक इतना टाइम भी नहीं लेना चाहिए कि सीरीज बनाने के लिए आप सीधा 4 साल बाद सीजन ला रहे हो, तो वो मुझे चीज काफी वियर्ड लगी। भाई इतना टाइम लेते हो तो मार्केट में हाइप खत्म हो जाती है और काफी सारी चीजें हो जाती है। मिर्जापुर 3 के अंदर भी वही सारी चीजें जो हम पहले कुछ सीजन में देख चुके हैं, जैसे कि एक जगह है मिर्जापुर, वहां पर काफी सारे गैंगस्टर्स हैं और भी अलग अलग तरीके के लोग हैं जिनकी स्टोरी आपस में कनेक्टेड है और सबके अलग अलग मोटिव्स हैं। तो लड़ाई बहुत ज्यादा है, एक्शन बहुत ज्यादा है, काफी चीजें। मोस्टली जो कैरेक्टर हमें दिखाए गए हैं सीरीज के अंदर, वो या तो मिर्जापुर की गद्दी लेना चाहते हैं, या फिर जो कैरेक्टर उसे लेना चाहते हैं वो उसके अगेंस्ट में है या उसके एलाय है। एक जो मुझे इस सीरीज की बात काफी अच्छी लगती है कि ये लोग जो है ये नहीं देखते कि ये मेन कैरेक्टर है तो इसका प्लॉट आर्मर बहुत स्ट्रांग रखते हैं और उसको नहीं मारेंगे। नहीं, कोई भी कभी भी मर सकता है और आप उसको एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। मुझे स्टार्टिंग का एपिसोड थोड़ा स्लो लगा, बट जैसे जैसे आप आगे शो देखते जाते यू गेट हुक्ड और आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है। और इस वीडियो को अगर मुझे कंक्लूड करना हो तो मैं इतना ही बोलूंगा, जो सीजन 3 है वो अच्छा है, 4 और 1 जितना अच्छा नहीं है, लेकिन 3 भी अच्छा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, नीचे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।